राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार अपनी स्पीड पकड़ता जा रहा है, जहां 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। बात जब चुनावी समीकरण की हो रही है तो हर सीट पर जातिगत समीकरण के साथ ही स्थानीय नेता का समीकरण भी काफी मायने रखता है। पिछली कड़ी में हमने बात की थी मंडावा विधानसभा क्षेत्र की, आज हम बात करेंगे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। उत्तर भारत के अहम राज्यों में शुमार होने वाले राजस्थान के उत्तर क्षेत्र में मौजूद है चूरू जिला, जहां बसा है सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से मनोज मेघवाल को मैदान में उतारा गया है, तो वही बीजेपी की ओर से संतोष मेघवाल को मैदान में उतारा गया है। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कुल 255,485 मतदाता थे, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मास्टर भंवरलाल मेघवाल को 83,632 वोट देकर जिताया था, जबकि भाजपा उम्मीदवार खेमाराम 44,883 मतदाताओं का भरोसा ही जीत पाए और वो 38,739 वोटों से चुनाव हार गए। वही अगर बात करें 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की, तो आपको बता दें 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में सुजानगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार खेमाराम ने जीत हासिल की थी और उन्हें 78,920 मतदाताओं का समर्थन मिला था। विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मास्टर भंवरलाल को 65,271 वोट मिल पाए थे और वो 13,639 वोटों के अंतर से दूसरे पायदान पर रह गए थे। बता दें राजस्थान में भले ही पिछले 10 सालों से एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का राज रहा हो, लेकिन सुजानगढ़ की जनता ने हर बार अलग चेहरे को जिताया है, फिर चाहे मैदान में कितना ही बड़ा चेहरा क्यों ना हो। दरअसल सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 72 सालों में कभी भी कोई विधायक अपनी विधायकी रिपीट नहीं कर सका है। इस सीट से मौजूदा वक्त में कांग्रेस के दिग्गज नेता मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल विधायक है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम है। मास्टर भंवरलाल ने 1980 में पहली जीत दर्ज की थी, इसके बाद वो 1990, 1998, 2008 और 2018 में जीतने में कामयाब रहे। हालांकि मेघवाल कभी भी अपनी विधायकी लगातार रिपीट नहीं कर पाए। वही अब तक इस सीट पर हुए 15 विधानसभा चुनाव में 6 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी, 3 बार निर्दलीय और 1-1 बार जनसंघ और जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। इसके बाद बात करते हैं सुजानगढ़ के जातिगत समीकरण के बारे में, तो आपको बता दें सुजानगढ़ विधानसभा सीट 1977 से ही अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इस सीट पर सबसे ज्यादा आबादी दलित मतदाताओं की है। इसके बाद यहाँ जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में है, वही ब्राह्मण, मूल ओबीसी, मुस्लिम मतदाताओं की भी यहाँ अच्छी खासी संख्या है। मंदिरों और हवेलियों के मशहूर सुजानगढ़ के काले हिरण भी पूरे देश में चर्चित है, साथ ही यहाँ का ताल छापर अभ्यारण्य भी काफी प्रसिद्ध है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से बाजी मारती रही है। ऐसे में इस बार देखना होगा कि सुजानगढ़ में चुनावी समीकरण को बनाने या बिगाड़ने में कौन सी पार्टी बाजी मार पाती है। और इसी के साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सुजानगढ़ किसी विधायक की विधायकी को रिपीट करवाता है या जनता के सामने कोई नई तस्वीर लेकर आता है। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की, तब तक के लिए नमस्कार।